गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लॉरेंस अपने शूटर्स के लिए टर्म प्लान की तरह है, यानी अगर कोई शूटर जेल जाता है तो उसके परिवार का पूरा खर्च लॉरेंस बिश्नोई उठाता है और इसीलिए गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग में भर्ती होने की होड़ मची है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस गैंग नाबालिगों का फेवरेट गैंग बना है। इसकी वजह है लॉरेंस का अपने गुर्गों के प्रति लॉयल रहना। लॉरेंस अपने गुर्गों को इंश्योर करता है कि अगर वो जेल जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है तो परिवार वालों का पूरा खर्च लॉरेंस उठाएगा। लॉरेंस हर वक्त अपने गुर्गों के सपोर्ट में खड़ा रहता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस की यही लॉयल्टी यंग जनरेशन के बदमाशों को अट्रैक्ट करती है और एक वजह लॉरेंस की पर्सनालिटी और उसका फेम भी है। यही नहीं, कानून की कमजोरियां गिनाकर नाबालिग बदमाशों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। सलमान खान के खिलाफ अब पूरा बिश्नोई समाज सामने आ गया है। जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि अब सलमान के साथ साथ उनके पिता सलीम खान भी बिश्नोई समाज के दोषी हैं। यहां तक कि पूरे खान परिवार को बिश्नोई समाज दोषी करार दे रहा है और टारगेट पर सबसे ऊपर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान है। बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने कहा है कि सलीम खान ने जो बयान दिया है अब उसके बाद माफी की संभावना खत्म हो गई है। बिश्नोई समाज अगर वो माफी मांगता तो मांगने पे विचार कर सकता था, पर उसके पिताजी ने आज से 3 दिन पहले ये कह के इस मामले को झूठा बताया। वो सलमान तो पहले दोषी था ही, अब उसके सलीम उनके पिता है, वो भी हमारे समाज के दोषी है। अभी तक लॉरेंस गैंग सलमान की जान का दुश्मन बना था, लेकिन अब लॉरेंस के साथ साथ पूरा बिश्नोई समाज सलमान खान और सलीम खान का जानी दुश्मन बन चुका है। बिश्नोई समाज ने ये भी चैलेंज किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में लॉरेंस और सलमान खान को आमने सामने लड़ना चाहिए। जनता किसके साथ है फैसला हो जाएगा।